यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, साथ ही यूसी न्यूज़ और यूसी ब्राउजर में हमें फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रे प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले हिंदू पर्व है। नवरात्रे में लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 9 दिन का व्रत रखते हैं और साथ ही कलश स्थापना भी करते हैं, लेकिन हमारी पूजा कितनी सफल हो रही है यह जानना भी हम लोग चाहते हैं। लेकिन नवरात्रे के समय कुछ विशेष सपने हमें खास संकेतों की ओर इशारा करते हैं। यदि आपने धन लाभ के लिए व्रत किया है तो इन दिनों में यदि आपको कभी भी सपने में उल्लू दिखाई दे तो यह काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना गया है। नवरात्रि के दिनों में यदि आपको किसी भी समय कोई महिला 16 श्रृंगार में दिखे तो समझ जाए कि आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। नवरात्रि पूजा में कमल का फूल, नारियल आदि आपको सुबह सुबह दिखाई दे तो समझ जाए कि माता रानी की कृपा आप पर बहुत जल्दी होने वाली है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाने के दौरान हमें बीच में अगर गाय दिख जाए तो यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।